नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है संजय नेगी, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजय। यह है श्रीनगर गढ़वाल की मार्केट। अभी मैं हूँ पौड़ी बस स्टैंड के पास। अब मैं कमलेश्वर के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ से दो हाईवे कट जाते हैं, एक जाता है पौड़ी कोटद्वार के लिए है और दूसरा जाता है ऋषिकेश के लिए। तो हमें ऋषिकेश वाले हाईवे पे जाना है। रोड की कंडीशन अभी अच्छी है। मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ बिल्डिंग मलबे में आधी डूबी हुई हैं। बेसिकली ये पुराना आईटीआई था जो 2013 की बाढ़ में आधा डूब गया था। ये तो यहाँ पूरा मलबा भरा हुआ था उस टाइम पे। अभी मैं उफरटा के पास में हूँ। आप देख सकते हो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये NH 58 है और श्रीनगर से उफरटा तक अभी रोड बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी मैं हूँ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और पुल क्रॉस करते ही टिहरी डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। बेसिकली कीर्तनगर है, कीर्तनगर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है मलेथा का वो वाला पार्ट जहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। यहाँ पे रेलवे वाले कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अभी। मैंने मलेथा रेलवे स्टेशन के लिए एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूंगा। तो आप वहाँ से जाके मलेथा रेलवे स्टेशन वाला वीडियो देख सकते हो। पहले रोड नीचे से था, ये पहाड़ी के घूम के रोड आता था। अभी इन्होंने पहाड़ी काट के रोड सीधा कर दिया है यहाँ पे। और ये नया पुल है यहाँ का। जो पुराना पुल है वो राइट हैंड साइड में है जिसकी रोड यहाँ से निकलती थी बाहर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको रोड कैसा लग रहा है। ये मुझे तो बहुत ही स्मूथ रोड लग रहा है। यह है जुयालगढ़। जुयालगढ़ में एक राफ्टिंग कैंप भी है जो नदी किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे। जो कोई भी इंटरेस्टेड है राफ्टिंग में वो जुयालगढ़ में जाके राफ्टिंग कर सकता है। रोड तो काफ़ी अच्छा बन गया है अब, पर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इस हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो स्पीड उतनी ही रखें जो आप कवर कर पाओ। मोड़ अभी भी काफ़ी खतरनाक से हैं कुछ। अब मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मोली।
ये कुछ लोग पानी भरने जाते हुए, पहाड़ में पानी की दिक्कत रहती है बेसिकली, जो स्रोत का पानी होता है मोस्टली पहाड़ी लोग वही पीना प्रेफर करते हैं, तो सारे गांव के लोग जहाँ पे भी उनका स्रोत होता है वहाँ से पानी लेके आते हैं पीने वाला। काफ़ी जगह तो नल पहुँच चुके हैं, तो वो लोग कपड़ा धोना या नहाने के लिए उस पानी को यूज़ करते हैं, पीने के लिए वो बस स्रोत का पानी ही यूज़ करते हैं। ये है भगवान। अभी मैं भगवान पहुंच चुका हूं। देखिए किस प्रकार इन्होंने पहाड़ियां काट के रोड को चौड़ा किया है। देखिए वो स्पीड में थे बाइक वाले, तो जब उन्होंने टर्न लिया तो वो तकरीबन दूसरी लेन में चले गए थे, जो एक्सीडेंट का कारण बनता है पहाड़ी रास्तों पे। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को काफ़ी केयरफुली ड्राइव करनी चाहिए। आप हार्डली 10 से 15 मिनट ही लेट होंगे अगर आप किसी स्पीड वाली गाड़ी के साथ कंपेयर करोगे तो अपनी स्पीड को, तो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लेट हो गए आप, बट आप सेफ पहुंचोगे। अगर स्पीडिंग ज़्यादा है तो गाड़ी कई बार मोड़ पे दूसरी लेन में चली जाती है, और सामने से अगर दूसरी कोई गाड़ी आ रही है वो भी स्पीड पे है तो बहुत ही भयंकर हादसा हो सकता है। इस रूट पे बेसिकली छोटी गाड़ियाँ काफ़ी चलती हैं, बसेस भी हैं, और ये जो टैक्सी टैक्सी गाड़ी होती है वो ज़्यादा चलती हैं। दिल्ली से उत्तराखंड आने वाले काफ़ी लोग मैक्स में, सुमो में, या बुलेरो जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उनमें सफ़र करते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुँचाते हैं कि, बट वो बहुत ही तेज़ चलते हैं, और उनसे बचने के लिए बेटर ये है कि आप अपने ही लेन में चलें और स्पीड इतनी रखें कि जो आप कंट्रोल कर पाओ। ये सारे पुल नए बने हुए पुल हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है अभी तक, तो रोड बहुत ही अच्छी है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलने में। अब मैं पहुंच चुका हूं मुल्ले गांव। मुल्ले गांव में प्याज बहुत होते हैं, यहाँ के प्याज बड़े फेमस हैं पूरे श्रीनगर क्षेत्र में।
टिहरी क्षेत्र में। अभी सुबह 8:30 बजे का टाइम है, तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बट दोपहर के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो करता है इस रूट पे। ये बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ने वाला रूट है। बद्रीनाथ केदारनाथ क्या हेमकुंड को भी यही जोड़ता है बेसिकली। यहाँ से आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ चोपता फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब और काली मठ ये सारी जगह आप इसी रूट से ही जाते हो। अभी जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होगी तो काफी अच्छा और सुखद अनुभव रहने वाला है यात्रियों का। पर एक चीज का उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए किस प्रकार से गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया मोड़ पे। तो मेरा अनुरोध है जो भी अगर 4-व्हीलर वाला या 2-व्हीलर वाला मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो आप प्लीज केयरफुली चलिए, बहुत ही रिस्की हो जाएगा इस बारी मुझे लगता है ये वाला रूट, क्योंकि मोस्टली वाहन चालक रोड अच्छी देखते ही भगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रूट भगाने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ केयरफुली यहाँ पे ड्राइव कीजिए। मैंने जितने भी लोगों से इस रूट के बारे में बात की कि ये रोड अच्छा बन गया है तो सबका कहना यही था कि हाँ अब आधे से 1 घंटे की डिस्टेंस बच गया है। कोई भी किसी ने ये नहीं कहा मेरे से कि हाँ अब रूट इतना अच्छा हो गया तो हम आराम से अगर चलें तो हमें गड्ढे और ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम इंजॉय करते हुए इस सफ़र को तय करेंगे। हर किसी का जवाब एक ही था बस कि आधे से 1.25 घंटे का रास्ता बच गया श्रीनगर से ऋषिकेश तक का, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है आप उस डेस्टिनेशन को तो एंजॉय करो ही करो। मेरा मानना यह है कि आप जो सफ़र है जो रूट है आप उसको भी एंजॉय करते हुए जाओ, आप उसको भी देखते हुए जाओ कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे उनका रहना सहना है, कैसे उन लोगों के घर हैं। तो इससे आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। ये देवप्रयाग अब स्टार्ट हो चुका है, मार्केट यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है बट देवप्रयाग वाला पोर्शन अब स्टार्ट हो चुका है।
अभी तक मुझे यहीं पे ही रोड खराब मिला है। श्रीनगर से और देवप्रयाग के बीच में रोड बहुत अच्छा है, और यहाँ से रोड अभी ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे भी ये पहाड़ तोड़ने का काम कर ही रहे हैं अभी। बीच में थोड़ा ये वाला पैच इन्होंने बना दिया है, तो मैं देख पा रहा हूँ आगे से रोड फिर खराब ही है। यह है देवप्रयाग वाला पुल, नीचे बह रही है भागीरथी नदी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।